वहां की ऑडियो गई। मैं पूरी तरीके से बीजेपी ने कवर कर लिया है और इस वक्त सबसे बड़ी खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए, और कहा जा सकता है कि मोदी की सुनामी के आगे इस वक्त कांग्रेस पूरी तरीके से पस्त नजर आई है। नई तरीके के अब समीकरण तलाशे जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम सामने आएगा, जो सबसे बड़े सवाल के तौर पर उभर रहा था, उस पर अब मोहर लग सकती है कि कौन यहां पर चेहरा होगा। लेकिन एनसीपी ने बिना शर्त के समर्थन बाहर से देने की बात कह दी है बीजेपी के लिए, जो सबसे बड़ा आज का फैसला देखने को मिला है कहीं ना कहीं, जिसका कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे, ऐसा एनसीपी की तरफ से देखने को मिला। लेकिन शरद पवार की जो राजनीति रही है उससे इस तरीके की बयान आने की उम्मीद की जा सकती थी। शरद पवार जो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों के नजदीक रहने की कोशिश करते हैं, वहीं शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि वो अभी इंतजार करेगी, यानी जो सॉफ्ट कॉर्नर था दोनों पार्टियों के बीच में वो काफी महत्वपूर्ण अब देखने को मिल सकता है, क्या सॉफ्ट कॉर्नर वो आगे बढ़ेगा। हरियाणा के अंदर चार सीटों से अब सीधा 47 सीटों पर जिस तरीके से यहां पर छलांग बीजेपी ने लगाई है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। जाहिर है यह जो कवरअप यहां पर बीजेपी की तरफ से किया गया है, क्या यह मोदी ब्रांड है, क्या मोदी का मैजिक चला है? तमाम विरोधी जो अब तक मोदी को टारगेट कर रहे थे या मोदी वर्सेस ऑल की जो सिचुएशन बन रही थी, उसमें मोदी को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नंबर मिले हैं। और आज जिस तरीके से नेता जो है बीजेपी के बोलते हुए नजर आए कि कुछ उपचुनाव के नतीजे देखकर कहीं ना कहीं विरोधियों ने मोदी की जो लहर है उसे कम आंकना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मोदी का जो जादू है वो चला है। आइए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और एनालिसिस करने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी परिस्थितियों को कवरअप किया है। हालांकि 2009 के मुकाबले में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो बढ़त है, जो आज बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कहा गया, जिसमें कहा गया कि शिवसेना जितनी सीटें दे रही थी उससे ज्यादा सीटें तो हम जीत कर आ गए हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर जो दरार पड़ी थी वो सामने आई है। अब परिस्थितियां यहां आकर फंस रही हैं कि क्या बीजेपी अब शिवसेना के साथ जाएगी या एनसीपी, जो बिना शर्त बाहर से समर्थन देने को तैयार हुई है, एनसीपी को यहां पर मौका दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी अगर एनसीपी को यहां पर मौका देती है तो उसके बाद परिस्थितियां यहां पर फंस सकती हैं, यानी सवाल पूछा जाएगा कि क्या अब एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी नहीं रही है। मोदी का वो अटैक जो अक्सर वो एनसीपी के ऊपर करते हुए नजर आते थे, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टवादी पार्टी बन गई है एनसीपी, एनसीपी की सुई 10 पर अटक गई है, 10-10 साल का जो भ्रष्टाचार है, 10 साल का भ्रष्टाचार 10 गुना हुआ है, ये तमाम बयान है जिनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस वक्त बीजेपी से सवाल यही पूछा जा रहा है कि एनसीपी की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर बीजेपी की आकांक्षाएं या बीजेपी इस वक्त इस पर क्या सोच रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर कहा है कि वो इस पर विचार करेगी, यानी शिवसेना को अभी भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि फोन की अगर बात कर ली जाए, जो उस वक्त अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी उसका खंडन यहां पर बीजेपी ने कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को कोई भी फोन यहां पर नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी बढ़ता है कि इन परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस ने ऐसी कौन सी वो गलतियां की हैं जिसका खामियाजा महाराष्ट्र के अंदर और साथ ही साथ हरियाणा के अंदर उसे भरना पड़ा है। एनसीपी की परिस्थितियां और कांग्रेस की परिस्थितियां महाराष्ट्र में एक जैसी हो गई हैं, दोनों ने लगभग एक जैसी सीटें वहां पर मिली हैं इस वक्त विधानसभा चुनाव के अंदर। कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस को 42 सीटें मिली हैं महाराष्ट्र में, वहीं एनसीपी को 41 सीटें। एमएनएस राज ठाकरे की वो राजनीति जो वो अक्सर अब तक करते आए हैं उसे जनता ने सिरे से खारिज किया है। 13 विधायक उनके थे उससे वो सीधा एक पर आए हैं, 12 का लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जनता ने एमएनएस की राजनीति को। अब सवाल यह है कि किस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर अब आगे बढ़ने वाली है। देवेंद्र फडणवीस जो ये कहते हैं कि हमारा एनसीपी से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, इस वैचारिक मतभेद को देखते हुए क्या ये तमाम चीजें जो अब से पहले कही गई हैं उन तमाम चीजों को देवेंद्र फडणवीस भूल गए हैं जो इससे पहले कही गई थी। चार तस्वीरें आप जश्न की देख रहे हैं, ये चार तस्वीरें ढोल नगाड़ों की बीजेपी दफ्तर के अंदर या बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी समर्थकों की, जो इस वक्त लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की आप देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल मना। और दिवाली जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मनी है और दिवाला जो है यहां पर कांग्रेस का निकल गया है। चलिए यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, और जो परिस्थितियां यहां पर बीजेपी ने अर्जित की हैं उसमें मोदी का इंपैक्ट कितना है। ये महाराष्ट्र की वो तस्वीर जो आज विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आई है, बीजेपी और मोदी सबसे ऊपर यानी 122, उसके दूसरे नंबर पर शिवसेना 63 का आंकड़ा छूते हुए,
कांग्रेस 42 और एनसीपी 41, यानी कांग्रेस जो है वो तीसरे स्थान पर खिसक गई है। एमएनएस को पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 41 जो बिना शर्त समर्थन देने की बात इस वक्त बीजेपी से कर रही है, और समझा जा सकता है अगर बिना शर्त समर्थन यहां पर दिया जाएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, तो कोई मुख्यमंत्री का जो सवाल था वो जहन में अब नहीं आना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री किसका होगा। उद्धव ठाकरे जो इस वक्त पेशकश करने की बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसका इंतजार हालांकि वो करेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। वहीं अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो वहां की जो तस्वीर उभर कर इस वक्त सामने आई है उसमें भी बीजेपी सबसे ऊपर, बीजेपी 47 पर, इन आईएनएलडी 19 यानी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो भी खासे इस वक्त नुकसान में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर 2009 की परिस्थितियों पर नजर डाले जाए, कांग्रेस की जो राजनीति है, जो हुड्डा की राजनीति है या हुड्डा का हुदहुद है, वो पूरी तरीके से शांत हुआ है, उस पर जनता ने कोई ध्यान इस बार नहीं दिया है। वहीं एचजेसी मात्र 2 सीटें, जो गठबंधन टूटने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई जिसमें कहा गया कि हजका ने हमसे 45 सीटें मांगी, अगर वो 45 सीटें दी जाती तो क्या हश्र होता बीजेपी का, इसका आकलन हम सहज ही कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये वही राजनीति है जिसके बारे में अब तक कांग्रेस या तमाम विरोधी पार्टियां गठबंधन को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही थी, लेकिन ये जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद जवाब जरूर बीजेपी की तरफ से कम यहां पर सामने आ गया है। यही आज हमारा चर्चा का विषय है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस लहर का या इस बढ़त का क्या कारण है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर एस के दत्ता मेरे साथ है, राजनीतिक विशेषक ओम वर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ दुर्गेश उपाध्याय जी, हुड्डा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुखबीर हुड्डा साहब। सबसे पहले मैं यहां पर ओम साहब आपके पास आना चाहता हूं, आज जो ये पूरा परिवर्तन देखने को मिला है, दरअसल अगर हम हरियाणा से शुरुआत करें, दरअसल हरियाणा के अंदर अब तक जो तमाम सर्वे सामने आ रहे थे या जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक इशारा किया जा रहा था कि इनेलो जो है वो लगभग बराबरी पर टिक सकती है, लेकिन पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया है, यानी 2009 की परिस्थितियों में यहां पर ओम प्रकाश चौटाला की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से खिसक गई है। कांग्रेस की परिस्थितियों को एंटी इनकंपेंसी का नाम दिया जा रहा था, लेकिन ये जो परिस्थितियां बदल गई हैं, जो 4 से 47 पर बीजेपी जंप मारती है, ये आपको कौन से मेन फैक्टर्स के तहत लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव का जैसे ही परिणाम आया था तो उसके बाद ये अंदाजा जो है सो लोग लगाने लगे थे कि इसके बाद जो भी राज्यों के चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी अपनी दोगुनी ताकत के साथ उसके लिए प्रयास करेगी। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा होगा कि जो सरकार विरोधी तत्व थे, सरकार के खिलाफ जो नाराजगी रही है वो काफी हावी थी। 10 वर्षों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं और इस दौरान जो है सो कई आरोप लगे हैं, जमीन का मामला रहा है और भी कई मामले रहे हैं, कई घोटाले सामने आए हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी ने इस तरीके से जनता के बीच प्रचारित किया कि यह सरकार जो है सो जनता के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, पहली चीज ये। तो सरकार विरोधी जो जनभावना थी, जनभावना को उभारा गया और सरकार विरोधी चीजें जो है उनको बताई गई, वो सामने लाई गई, पहली चीज। ये तो सरकार के खिलाफ जो भावनाएं थी वो सामने आई। दूसरी चीज इनेलो फैक्टर है। इनेलो फैक्टर अभी आपने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला ये बराबर जो है सो उस पार्टी की तरफ से लोगों से जनसंपर्क और वो अपनी ताकत झोंक रखा था उसने, इनेलो ने। तो इनेलो के ताकत झोंकने के बाद बीजेपी को ये एहसास होने लगा कि इनेलो जो ताकत झोंक रही है तो इसका जो है सो इस पर थोड़ा सा रणनीति उसे बदलनी पड़ेगी, और आपको स्वास्थ्य के नाम पर जो इनेलो ने, ओम प्रकाश चौटाला ने जमानत लेकर के जो प्रचार अभियान, धुआंधार प्रचार अभियान शुरू कर दिया था वो बीजेपी को नागवार गुजरा, वो उचित नहीं। वो लग रहा था कि बीजेपी की रणनीति जो है उसको कहीं ना कहीं ये बिगाड़ रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। यही वजह रही कि बाद में जो है सो सीबीआई ने भी कहा कि जो है सो स्वास्थ्य के नाम पर जमानत लेकर के चुनाव प्रचार करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और रणनीति बदलते हुए ठीक भाजपा ने हमला किया, ओम प्रकाश चौटाला पे हमला किया जा रही थी, जिसमें ये कहा जा सकता है कि सिंपथी वोट लेने की जो कोशिश की जा रही थी कि मैंने तो सिर्फ जो राज्य के बेरोजगार है मैंने उन्हें जो है
नौकरी दी है। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला लगातार ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं करीब से परखा है, जो राज्य का निवासी है, जो राज्य के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस राजनीति को परख लिया है। देखिए, तो सरकार विरोधी भावना को जो है सो ओम प्रकाश चौटाला ने भुनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो उसको भुनाने की, और उन्होंने कहा कि हम को तो जेल इसलिए भेज दिया गया कि हमने आप लोगों को नौकरी दी है, इसलिए जो है सो, और उस भावना को लेकर के वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। कोर्ट ने भी बाद में टिप्पणी की थी कि स्वास्थ्य का हवाला लेकर के कि जो चुनाव प्रचार का दबाव झेल सकता है, और काफी गंभीर लिया जो टिप्पणी कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की थी, कहा था कि जो व्यक्ति चुनाव का दबाव झेल सकता है वो कुछ भी झेल सकता है, वो कुछ भी झेल सकता है। सुखबीर सिंह हुड्डा साहब, ये जो परिवर्तन आया है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक तरफ इनेलो की राजनीति जो है, जो कहीं ना कहीं चौधर की राजनीति कही जाती है, जिसके पर हमने अक्सर अपने कार्यक्रम के दौरान, जब महाराष्ट्र की विधानसभा का प्रचार चल रहा था उस वक्त भी, हरियाणा का जो प्रचार चल रहा था उस दौरान में हमने जब बातचीत की थी, ये जो चौधर की राजनीति है, इससे ऊपर उठकर इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग हुई है। चेहरे की बार बार बात की जाती थी कि चेहरा होगा तो शायद उससे फायदा हो सकता है, और कहीं ना कहीं मोदी रिस्क ले रहे, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है, यानी वो जो जातिगत राजनीति के जातिगत जो समीकरण थे वो पूरी तरीके से नकारे गए हैं, कम से कम हरियाणा के अंदर। देखिए सुमित जी, इसका क्या कहते हैं, जो पूरा का पूरा जो हरियाणा के रिजल्ट्स का है, वो पूरा का पूरा क्रेडिट एक ही आदमी को जाता है, वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसकी अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं, एक मोदी साहब ने हरियाणा का बींग ए प्रभारी बहुत लंबा काम किया है, वो एक एक डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, एक एक वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनको जानते हैं, वहाँ की कास्ट को, वहाँ की बैलेंसिंग को, वहाँ के साउथ नॉर्थ हरियाणा की जो चौधर्स की बात करते हैं मोदी साहब, उसको जानते हैं। अगर मोदी साहब नहीं जानते तो ये भी हरियाणा भी महाराष्ट्र की तरह ये स्टेट उलझ सकती थी, जैसे हमारे सर्वेज भी दिखा रहे थे। लेकिन ये पूरी की पूरी अगर देखेंगे, मोदी साहब ने हरियाणा का कंट्रोल अपने पास रखा है। उसका एक मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक मोदी साहब का जो फैक्टर है खुद का, वो इतना बड़ा काम किया है कि लोगों को पहले मालूम था, क्योंकि मोदी साहब पहले बंसीलाल जी के साथ ऑलरेडी एक सरकार हरियाणा विकास पार्टी के साथ दे चुके हैं, और उसमें इन्होंने अपनी छवि खुद बीजेपी और अपनी खुद की छवि को बहुत मेंटेन करके रखा था। एक वो लोगों ने एक रीजनल लेवल के ऊपर उसको उन्होंने बिल्कुल बरकरार रखा। दूसरा क्या था, मोदी साहब ने इस बार हरियाणा के अंदर अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरव्यू किया, जो यूथ को जो टिकट दी है वो मोदी साहब ने उसको ओवरव्यू करके ही उसके कंसेंट दी है। उसके बाद अगर देखेंगे 15 महिलाओं को टिकट देना, ये भी एक मोदी साहब की उसकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर था ये। और उसके बाद मोदी साहब ने आके स्टेट में लोगों से कहना, महाराष्ट्र में नहीं बोली ये बात, सुमित जी ऑन द रिकॉर्ड मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, हरियाणा में पहली रैली के बाद मोदी साहब को जब ये लगने लगा कि भाई ये माहौल थोड़ा सा फंस सकता है यहां पर, जब उनके फीडबैक आए सर्वेज के, तो उन्होंने कहा मुझे लंगड़ी सरकार मत देना, क्योंकि उनको लोगों को हरियाणा के लोग उनको जानते थे, और मोदी साहब ने अपना एक ब्रांड, खुद का ब्रांड देश और विदेश में इतना बड़ा बना लिया कि उसको लोग आज बिलीव करते हैं, उसे कहीं ना कहीं बिलीव करना लोगों ने यहां पर शुरू किया, बिलीव किया। सुमित जी, इसके साथ में एक लाइन और मैं ऐड करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसके बाद क्या होता है कि मोदी साहब ने स्टेट में लोगों से यह कहा, आप मुझे एक जो बैरियर, आप हरियाणा और दिल्ली के बीच में बैरियर है वो हटाइए, मेरी जिम्मेवारी है, आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा या चंडीगढ़ आना पड़ेगा, मेरी जिम्मेवारी। मोदी साहब ने अगर ये सरकार लेके आए हरियाणा में, ये बिल्कुल वो है एंटी इनकम्बेंसी, तो 10 साल का बिल्कुल है, मेरे साथी ने कहा बिल्कुल है, अगर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलता तो आईएनएलडी को मिलता, क्योंकि उसने विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो आईएनएलडी ने निभाई है, वो लोगों ने इनकम्बेंसी के वोट नहीं दिए हैं, ये वोट दिए मोदी साहब के नाम से, मोदी के विकास के नाम से। इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर एस के दत्ता साहब, अगर विपक्ष को वोट नहीं मिलते हैं, उल्टा उनकी जो सीटें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो जनता किस ओर देख रही है? सुमित, मैं समझता हूं कि आज के डेट में भारत के राजनीति का अगर आकलन करें, और खास करके अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव, उसका आकलन करके अगर हमें देखना है तो 3-4 मुख्य कारण है। सबसे पहली बात यह है कि प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, कहीं ना कहीं पे केंद्र में जो सरकार होती है उसके साथ लोग जोड़ के देखते हैं कि प्रदेश के चुनाव में अगर उस केंद्र की सरकार की पार्टी अगर प्रदेश में मजबूत है तो कहीं ना कहीं पे सहानुभूति होता है, और लोग चाहते हैं कि केंद्र के विरोध में ना वर्डिक जाए, केंद्र के सरकार के साथ, मतलब कि ऐसा सरकार चुने जो केंद्र के साथ फ्रेंडली हो। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि एंटी इनकम्बेंसी की जहाँ बात आती है, मैं मानता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी था
और बहुत बड़े पैमाने पे था हुड्डा सरकार के विरोध में, और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी जो यूपीए सरकार की जो कुशासन रही है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी एक तरह से मतलब कि इम्प्रिंटेंट है, और उसके चलते ये डबल एंटी इनकम्बेंसी था। एक तो है कि कांग्रेस के प्रदेश के सरकार का कुशासन, करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, और उसके साथ साथ केंद्र में जो सत्ता रही है उसके विरोध में भी लहर था और वो लहर आज भी बरकरार है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जहां व्यक्तित्व की जहां बात आती है, ये बेशक है कि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है और वही करिश्मा कहीं ना कहीं पे महाराष्ट्र में भी पूरे लहर के हिसाब से दिखाई दिया और हरियाणा में भी पूरे लहर के हिसाब से दिखाई दिया। अगर करिश्मा अगर नहीं होता तो हरियाणा के परिपक्ष में इतना शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद असंभव होता। तो मैं समझता हूं कि अगर एक सेंटेंस में मुझे अगर इस पूरे चुनाव का निष्कर्ष अगर निकालना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश भर में और पूरे भारत के अलग अलग प्रांत में मोदी सुनामी बेशक है और उस चीज को हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ बहुत कम से कम इनकार नहीं किया। एक सेकंड सुमित, बहुत लोग उपचुनाव के नतीजे के बाद ये कह रहे थे कि मोदी लहर कहीं ना कहीं पे डाइल्यूट हो गया है या फिर मोदी लहर का जो गुब्बारा है वो फूट गया है। तब भी मैंने कहा था कि उपचुनाव का नतीजा और असेंबली इलेक्शन के नतीजे में जमीन आसमान का फर्क होगा और मैं मानता हूं कि ये जो हनीमून पीरियड है, ये हनीमून पीरियड आज शायद हनीमून पीरियड से शायद शादी की तरफ बढ़ रही है जनता और सत्ता के जो मेन जो वो भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का चीजें बेशक दिखाई देगा और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से लहर है और खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और उसके ऊपर जो एक चांद जनता ने लगाई है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में, वही चीज आगे जाके एक स्पाइरल इफेक्ट के साथ दिखाई देगा झारखंड और आपके जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी, और वहां पे भी अगर इस तरह की शानदार विजय अगर बीजेपी को मिलती है तो अगले साल जो चुनाव है, कई सारे महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव है, वहां पे भी शायद भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार पार्टी लीड ले ले। ठीक है, दुर्गेश उपाध्याय जी, आपके हिसाब से ये मायने क्या है? हरियाणा के अंदर अगर कोई पार्टी 4 सीटों से 47 पर पहुंचती है, ऐसा क्या ये परिवर्तन कर दिया है बीजेपी ने? क्या सिर्फ मोदी ब्रांड ही काम कर रहा है या मूलभूत यानी जो जमीनी स्तर की राजनीति कही जाती है बीजेपी ने वहां पर भी पहुंच बनाई है? देखिए सुमित, मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हैं। आज जिस तरह के नतीजे आए हैं और 4 सीट से 47 सीट तक अगर जो है वहां पार्टी पहुंची है तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। और दोनों चीजें थी जैसे कि हमारे साथी बता भी रहे थे कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी 100% था हुड्डा सरकार के खिलाफ, दूसरी बात नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। लोगों का एक जो है इमेंस ट्रस्ट वो उनमें बना हुआ है कि इफ ही इज देयर, अगर वो वहां पर है और वो किसी चीज को गुड गवर्नेंस के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है केंद्र में 3 महीने से ऊपर सरकार उनको चलाते हुए हो गया, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में काम कर रही है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यही दोनों फैक्टर जो है वो ट्रांसलेट हुए हैं और एक इतना मेजर टर्नआउट भी रहा और वो जो है आज हमको वो जीत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हुड्डा साहब, ये जीत किसकी है? ये बीजेपी की जीत है या फिर नरेंद्र मोदी की? सवाल ये है, 2009 में जो पार्टी 4 नंबर पर थी या जिसके पास सिर्फ 4 सीटें थी वो 47 सीटें लेकर आ जाती है, इन 5 सालों में ऐसा कौन सा ग्रास रूट पर काम कर दिया है और वो कौन से नेता है जिनका चेहरा भी अब तक नजर नहीं आया? देखिए सुमित जी, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। बीजेपी का ये 4था इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है हरियाणा के अंदर। पहली बार लड़ा 2 सीटें आई, उसके बाद सेकंड टाइम लड़ा 2 सीटें आई, उसके बाद लड़ा 4 सीटें आई। ये 4th इलेक्शन था जिसके बाद इनकी ये सीटें आई है, 47 जो सीट आई है। ये एक मोदी मैजिक है, ये एक करिश्मा है जो पूरी पूरी एंटी इनकम्बेंसी जो INLD NLO को जो मिलने चाहिए थी वो मोदी साहब ने अपने पास लेकर आ दी। क्योंकि बीजेपी ने पूरे 10 साल के अंदर बीजेपी कहीं संघर्ष बनी थी, किसी विपक्ष बनी थी, क्योंकि अगर विपक्ष में थी तो चौटाला साहब NLO पार्टी थी 32 MLAs के साथ, अगर इनकम्बेंसी थी संघर्ष उन्होंने किया, जो भी उसके खिलाफ जो भी आंदोलन किए NLO ने किए, उसको सारी इनकम्बेंसी को लेकर ना साथ में अपना मैजिक चलाना, ये मोदी साहब एक करिश्माई लीडर है और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो ये अप्रूव हो गया है, अप्रूव आगे भी होता रहेगा और देश विदेश में भी हो गया है। गुजरात की जो गुजरात से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, या इसे मैं 2 चीजों से जोड़कर देखना चाहता हूं। एक तरफ केंद्र सरकार यूपीए सरकार की तरफ से जो परिस्थितियां बनी या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे या जो भी घोटाले हुए उसका नुकसान कहीं ना कहीं केंद्र के उन खामियों का नतीजा
तमाम सरकारों पर, राज्य सरकारों पर देखने को मिल रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केस में गुजरात के अंदर जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, जिसे लेकर वो केंद्र तक पहुंचे, वही केंद्र, वही गुजरात की जो हवा है वो उन तमाम प्रदेशों के अंदर लोगों ने इसे महसूस करने की कोशिश की है। वो जो गुजरात मॉडल जो शुरुआत की गई थी, जिस गुजरात मॉडल से, उसकी जो खुशबू है वो अब तक खत्म नहीं हुई है, या ये इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, हाँ जी, मैं मानता हूँ कि गुजरात मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और गुजरात मॉडल के चलते ही ये सारी चीजें हैं। गुजरात में जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हकीकत में दिखाई देता है। मैं अभी हाल ही में कई बार गुजरात होके आया हूँ और मैंने देखा है किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, खास करके ऐसे पिछड़े इलाके जो है गुजरात के। वहाँ डेवलपमेंट हुआ है या वहां पर जो है परिस्थितियां कैसी है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मोदी उस गुजरात मॉडल को उन्होंने आगे रखा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मोदी अगर गुजरात को बदल सकते हैं तो वो हरियाणा को भी बदल सकते हैं, महाराष्ट्र को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही, और वही चीज जो ब्रांडिंग की गई है ये उसका असर है, क्योंकि अगर तमाम नेताओं की यहां पर बात कर ली जाए, हमें हरियाणा के अंदर कोई चेहरा भी नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और उसी दिशा में मैं आ रहा था सुमित, कि गुजरात मॉडल को पूरे भारत के परिपक्ष में लोग आप देखने लगे हैं और भारत के परिपक्ष में उसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि जो गुजरात में जो कुछ हो सकता है वो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कौन करेगा और किस हिसाब से होगा, उसके लिए एक डायनेमिक लीडरशिप की आवश्यकता होती है और एक डायनेमिज्म और सोच में एक डायनेमिज्म की जरूरत होती है, जो लोगों को लगता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लीडरशिप के अंडर में और उनका जो एक डायनेमिक सोच है उसके अंडर में ये सारी चीजें हो सकता है और उस हिसाब से पूरे भारत का उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। साढ़े तीन महीने की जो सरकार केंद्र में रही है, किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है, किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ है इस सरकार का अभी तक। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप अगर देखेंगे या फिर डेवलपमेंट के मॉडल पे भी आप अगर देखेंगे, सारे पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव डिस्टिंक्शन के साथ ये सरकार पास करती है, तो नेचुरल है कि उसके चलते ये चीज है। दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है कि आज के चुनाव के नतीजे के बाद अगर हम लोग अगर आकलन करें पॉलिटिकली या फिर साइकोलॉजिकली इस चीज को, मैं समझता हूं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म की जो एक नारा है उसको एक बहुत बड़ा थप्पड़ मिला है इस चुनाव के नतीजे के। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जनता ने एक नई राजनीति को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है और मोदी का जो ब्रांड है जिसे आगे किया गया था वो पूरी तरीके से स्वीकार हुआ है। ग्रास रूट की अगर बात कर ली जाए, हालांकि बीजेपी वहां नजर नहीं आती है, इनेलो को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते। महाराष्ट्र पर अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र की परिस्थितियों को पूरी तरीके से मोदी ने या फिर बीजेपी ने हाईजैक किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार थी उसे नकार दिया है। लेकिन दूसरे नंबर पर शिवसेना ने बहुत बढ़िया परफॉर्म यहां पर किया है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें पूरी तरीके से समझ लीजिए, बीजेपी 122 सीटों पर और शिवसेना 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, कांग्रेस को 42 मिली है, एनसीपी सिर्फ मात्र एक सीट कम हासिल की है कांग्रेस से और 41 पर, और बिना शर्त समर्थन दिया है कहीं ना कहीं बीजेपी को। तो समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा खिंच गई थी, उसका अब एक और विकल्प कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल गया है। लेकिन शिवसेना अब भी समर्थन देने के लिए तैयार हो सकती है। सॉफ्ट कॉर्नर उद्धव ठाकरे की तरफ से देखने को मिला है। बीजेपी भी पहले ही अपनी तरफ से एक बार निमंत्रण दे चुकी है, यानी सुबह इंतजार किया जा रहा था शिवसेना का, लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, एमएनएस की राजनीति है वो भी पूरी तरीके से निकाल यहां पर साइडलाइन कर दी है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने। मुंबई महाराष्ट्र का दिल कही जाती है और मुंबई कहीं ना कहीं भारत की जो दिल में बसती है, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में एक जो चीज और उभर कर सामने आती है वो है भारत की इकोनॉमिक परिस्थितियां। इस पर भी मोदी का इंपैक्ट देखने को मिला है। अगर बात कर ली जाए डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की, उस पर जिस तरीके का नियंत्रण भारत ने कहीं ना कहीं खो दिया था, जो रुपया 62 से लेकर 68 की परिस्थितियों में रहता था वो अब मजबूत होता दिख रहा है। क्या ये भी मोदी मैजिक है? क्या लोगों ने इन तमाम चीजों को, जो महंगाई कम हुई है या जो परिस्थितियां रुपए के हिसाब से जो आप देख रहे हैं किस तरीके से डॉलर को नीचे खींचकर मोदी साहब ला रहे हैं,
तो ये जो तमाम चीजें हैं, क्या ये जनता ने एक्सेप्ट की हैं? सवाल ये है, क्या इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं जनता ने बारीकी से परखा है? जो राजनीति अब तक ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर होती थी, उससे अब जनता कहीं ना कहीं बाहर आ गई है। एच के दत्ता साहब, इकोनॉमिक्स भी हैं आप कहीं ना कहीं, ये पूरा जो एनालिसिस करती है अब जनता, महाराष्ट्र की अगर जनता की हम बात कर लें, मुंबई रीजन की अगर हम यहां पर बात कर लें, तो इन तमाम चीजों को क्या कंसीडर किया है जनता ने? ये तमाम फैक्टर्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहे। तमाम फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण रहा है और मैं समझता हूं कि मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है और ग्रेटर मुंबई एरिया में भाजपा की कहीं ना कहीं पे एक तरह से एक तरफा स्वीप हुई है और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से मुंबई, ग्रेटर मुंबई एरिया में बीजेपी उभर के आई है, तो वो कहीं ना कहीं पे एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट तो बेशक वो उस चीज का पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 3-3.5 महीने के अंदर आप अगर देखें कि विदेशी निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, नरेंद्र मोदी जी के जो तमाम यात्राएं हुए हैं विदेश में, लगभग 100 बिलियन US डॉलर्स के आसपास आश्वासन लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो जापान से हो, चीन से हो या फिर अमेरिका से हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। मैं तो समझता हूं कि जो यूपीए के कार्यकाल में जो एक साल में शायद 100 बिलियन US डॉलर्स नहीं आ पाया, वो 3 महीने के अंदर उतना बड़ा करिश्मा हो चुका है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से जो डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी है, आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बढ़ा है, इसके साथ साथ आपके जो इंटरनल डेट या फिर अंतर्राष्ट्रीय कर्जा जो है वो भी काफी हद तक घटा है, और फिर आपके पेट्रोल की दाम, आपके डीजल के दाम, तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं पे कटौती हुई है। जनता को सही तरह से महसूस होने लगा है कि जो कुशासन के चलते या फिर इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस के चलते जिस तरह का परिस्थिति पूरे देश में पैदा हुआ था पॉलिसी पैरालिसिस के चलते, उससे कहीं ना कहीं पे मुक्ति मिली है और वो मुक्ति नरेंद्र मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप के अंडर में पूरे भारत में दिखाई दे रहा है, और उस चीज का कहीं ना कहीं पे खास करके जो एजुकेटेड यंग जो मिडिल क्लास है और जो यंग वोटर्स है उसके दिमाग में बहुत अच्छे तरह से ये तमाम चीजें बैठता है, और आज के डेट में युवा वोटर तमाम चीजों को देखते हैं, तमाम चीजों का आकलन करते हैं और उसके बाद ही वोट डालते हैं। जो युवा वोटर है वो हर चीज को एनालाइज करता है, वो देखता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसे क्या फायदा हो रहा है, अगर यहाँ पर गवर्नेंस की जो बात की जाती है उसमें क्या मोदी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ओम वर्मा साहब, महाराष्ट्र की अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें, बीजेपी के दोनों हाथ में इस वक्त लड्डू है, दिवाली जो है आने वाली है और इस वक्त दिवाली बीजेपी की मन भी रही है, इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए बेहतर या बेस्ट ऑप्शन क्या होंगे? देखिए, भाजपा के लिए थोड़ा सा से भाजपा चूक तो गई है, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। भाजपा जिस तरीके से उसने जैसे तैयारी कर रखी थी और जैसे कंपेनिंग कर रहे थे उस हिसाब से बस थोड़ा सा से वो चूक गए हैं। अब देखिए किस तरीके से लोग समझौता करते हैं। अब कुल मिलाकर के बात समझौते पर आती है कि शिवसेना किस हद तक साथ देती है। शिवसेना, आपको याद होगा कि चुनाव कंपेनिंग के दौरान शिवसेना की तरफ से बार बार हमले किए जा रहे थे, उसने हमले का कोई भी जो मौका था उसने नहीं छोड़ा, कोई मौका नहीं छोड़ा। यहां तक कि राज ठाकरे भी बार बार जो है सो वो हमले कर रहे थे, यहां तक कि दोनों पार्टियां, दोनों क्षेत्रीय पार्टियां यहां तक कह रही थी कि जो क्षेत्रीय जो राज्य का जो राजनीतिक भविष्य है या राजनीतिक गतिविधियां हैं वो क्षेत्रीय दलों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने मतदाताओं को बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन अब चूंकि जब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद जो है सो अब मुझे ये लगता है कि अगर शिवसेना अगर समर्थन देती है तो भाजपा के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चूंकि उन लोगों ने 25 वर्षों तक एक साथ निभाया है, ये साथ रहे हैं, केंद्र में भी उनके मंत्री हैं शिवसेना के, अगर शिवसेना किसी भी तरीके से शांत भाव लेकर के काम करने के मकसद से, ये नहीं कि अब कई बार चीजें होती हैं कि मजबूरी में कोई अगर पार्टी साथ देती है तो बाद में उस हिसाब से उस मजबूरी का फायदा, यानी कोई मजबूरी नहीं है बीजेपी की। अभी अगर इस वक्त समर्थन लेने की बात की जाए तो शिवसेना के बारे में सोचा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वही है। हुड्डा साहब, यहां पर अगर एनसीपी की बात कर ली जाए तो नेचुरली करप्ट पार्टी, या यूं कहा जाए कि मोदी की तरफ से कहा गया कि एनसीपी की जो सुई है वो अटक गई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमारा कोई मतभेद नहीं है एनसीपी से, वो तमाम बयान क्या है, वो क्या कचरे के डब्बे में चले जाते हैं फिर? हुड्डा साहब,
देखिए सुमित जी, जहां तक हम देवेंद्र फडणवीस साहब की बात कर रहे हैं, वो एक पार्टी अध्यक्ष हैं और उनके पास एक उनको एक स्टेटमेंट आया, उसकी प्रदेश के अंदर आया और उनकी सरकार से रिलेटेड आया, तो उनका काम बनता था रिएक्ट करना। अभी तक सेंट्रल लीडरशिप ने इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज जो फडणवीस साहब जिसके ऊपर आप उसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं एनसीपी के बारे में, नहीं, अगर 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 देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि इस पर मंथन किया जा सकता है या इसके बारे में हम सोचेंगे, उसी को आगे बढ़ा, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह देते हैं कि हमारा कोई मतभेद ही नहीं है, इस पर सवाल उठ जाता है। देखिए सुमित जी, मैं उसी को बढ़ा रहा हूं आपकी बात को। देखिए जब भी कोई किसी पार्टी की तरफ, कोई रूलिंग पार्टी की तरफ कोई अपने समर्थन का अगर कोई प्रपोजल देता है तो एट द आउटराइट पार्टी जो वहां का जो स्टेट का प्रेसिडेंट होता है उसके पास इतने राइट्स नहीं होते कि आउट द राइट उसको रिजेक्ट कर दे। वो उसने कहा भी हम विचार करेंगे, मैं अपने ऊपर हाईकमान से नहीं, उन्होंने ही कहा कि हमारा कोई मतभेद नहीं है, विचार कीजिए उस पर, कोई किसी को कोई गुरेज नहीं। उसके बाद मैं आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए सबको मालूम है कि एनसीपी अब आज के टाइम कांग्रेस की तरह ही एनसीपी आईसीयू में चली गई है। अब अगर एनसीपी को कहीं पे जनाधार था वो महाराष्ट्र था और वो आज वो कांग्रेस से भी नीचे चली गई है, जो क्लेम करती थी वहां से उनसे भी एक सीट नीचे चली गई है। एनसीपी के पास अब आगे आने वाले फ्यूचर उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनको सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी और उसकी पार्टी किसी तरीके से वो एक दिखाई दे रही है कि ये हमारी डूबती नैया को ये पार लगा सकते, किसी तरीके से उंगली या अंगूठा मिलके हम इनके साथ तर जाएं। हम इसलिए एक्सटर्नल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है सुमित जी, अगर आप इसको राजनीतिक उस समझ से देखते हैं, क्योंकि एक नहीं, दरअसल शरद, अगर अगर यहां पर शरद पवार की राजनीति की अगर हम बात कर ले, वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाते हैं, वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और उसके बाद एनसीपी एक बार फिर से कांग्रेस का ही समर्थन लेकर सरकार बनाती है। फिर साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी को कहते हैं कि ये कॉम्युनल पार्टी है, अब वो तमाम मुद्दे जो कॉम्युनल कहे गए थे वो कहां साइडलाइन हो गए हैं? शरद पवार की राजनीति सत्ता के साथ बने रहने में रही है, जो पार्टी सत्ता में रही है, सत्ता के करीब रही है, इस गणित को बीजेपी आसानी से समझ सकती है। और बयानबाजी होना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों के दौरान बोलते हैं, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आना कि हमारी कोई मतभेद नहीं है, यहां सवाल है। आप मंथन कीजिए, आपको बाहर से समर्थन लेना आया नहीं लेना उस पर आप मंथन कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, उस पर कोई सवाल नहीं। सुमित जी देखिए, हर कोई समझते हैं, देखिए फडणवीस साहब जिस स्टेज पे आज बैठे हैं, जिस कुर्सी में बैठे हैं, उनका कहना मेरे ख्याल से जायज था। और जहां तक आप बात कर रहे थे शरद पवार साहब की पार्टी क्या उसके साथ रूलिंग में आना, वो एनडीए में बहुत समय से पहले से आना चाह रहे थे, उसको नरेंद्र मोदी साहब और कुछ नेता ऐसे थे, उसको नितिन गडकरी साहब जब पार्टी प्रेसिडेंट थे वो उसको उस स्टेज पर लेके आ चुके थे कि इनको एनडीए ज्वाइन करवाया जाए। तो मोदी साहब का हाल ही में बयान है कि जब से एनडीए की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से ज्यादा कॉम्युनल दंगे हुए तभी से वो छटपटा रहे थे। ये जो पार्टी है एनसीपी एक अन्य लेवल पार्टी है और ये कांग्रेस का ही एक बी पार्टी बी टीम है कांग्रेस की ही, तो इसके ऊपर मोदी साहब और उनकी टीम या सेंट पार्लियामेंट्री बॉडी उसके ऊपर नहीं करेगी। ये नेचुरल जो इसके लाई है शिवसेना, उसके साथ खटास जरूर आई है, लेकिन उस खटास के अंदर भी देखिए ना, बहुत सारी कॉरपोरेशन ऐसी है जहां पे अभी तक वो एक दूसरे के समर्थन से वो बना रहे हैं। शिवसेना अभी भी एनडीए का पार्ट है, उनका वो मेंबर पार्लियामेंट यहां पे मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो एक बयान को एक शिवसेना पर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने फडणवीस साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्यों उसका प्रेशर बनाया? अगर उद्धव साहब के पास ये समर्थन ले जाएंगे, उद्धव साहब मांगेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, बीजेपी ने बोलना कि एक्स, वो कहेगा नहीं मुझे एक्स वाई जेड तीन नाम दीजिए, मैं चूज करके आपको बताऊंगा मैं किसको समर्थन दे रहा हूं। उसके बाद उनकी डिमांड होगी होम मिनिस्ट्री और फलाना फलाना, ये तीन मिनिस्ट्रीज हमारे को चाहिए। तो ऐसा है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स है शिवसेना की, और शिवसेना की एक रीजनल राजनीति, आप इसको भी समझिए जरा, शिवसेना अपनी रीजनल राजनीति करती है और बीजेपी करती है नेशनल की राजनीति, तो वहां पे शिवसेना का थोड़ा सा राइट भी बनता है, क्योंकि वो बहुत पुरानी उनकी सहयोगी रही है, उनको सुख और दुख में हमेशा उनके साथ रही है, तो बीजेपी का भी राइट बनता है कि शिवसेना को हुड्डा साहब अपर हैंड। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस अगर ये कह देते हैं, चलिए इस पर भी एक बार को सोच लेते हैं कि इस बार टैक्टिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा दोनों में से? कहीं ना कहीं जनता के जहन में, अगर जनता यहां पर वोटिंग प्रतिशत इतना बढ़ा देती है और उसमें बीजेपी को इतने ज्यादा सीटों के साथ चुनती है, तो जो आज तक परिस्थितियां नहीं रही हैं, 25 साल के अगर मैं आंकड़े को उठाकर देखूं तो किसी भी पार्टी ने 100 के आंकड़े को नहीं छुआ है, इस बार बीजेपी ने उस आंकड़े को भी छू दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी को नकारा है, उस चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
मुझे बिल्कुल सहमत हूँ, बीजेपी के लिए फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने का मौका है और बीजेपी इसको जाने नहीं देगी और इस तरह का आपका नाम सीएम का कैंडिडेट और इस तरह की अलायंस को चुनेगी कि उसको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक मोदी साहब का, मैं जितना मोदी साहब के राजनीति को हम समझ पाए हैं। ठीक है, मोदी शरणम गच्छामी की बात बन रही है यहाँ पर दुर्गेश जी। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अब जो है सारी जो दिशाएं हैं धाराएं हैं वो सब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है मुड़ चुकी हैं। बात यहाँ जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कि शिवसेना क्या करेगी, एनसीपी का क्या स्टैंड होगा, सबसे बड़ी बात जो मुझे सुमित समझ में आती है अब ये कि पोजिशन ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी अमित शाह की टीम में पूरी तरह से समझ रही है कि अब कोई भी उनके साथ हार्ड बार्गेन नहीं कर सकता है। अगर आपको एक्सटर्नली सपोर्ट करना हो या अब ये भाजपा तय करेगी कि उसका उसको किसका सपोर्ट लेना है अथवा नहीं लेना है। आज जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल निकल करके खुद ही ऑल ऑफ सडन आए और उनका नहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये सब सारी जो राजनीति है। क्योंकि आप देखिए शाम तक जो है कोई नहीं बोला, शाम से सब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अभी अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या करेगी। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक चल रही थी उसमें जो जानकारी आई कि उद्धव ठाकरे जी ने फोन करके पीएम को बधाई दी, ये सब जो एक माइल्ड जो हो रही हैं शिवसेना और एनसीपी, कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि अब हम बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मदद की आवश्यकता है लेकिन वो मदद अपनी अपने टर्म एंड कंडीशन पर लेगी। ये जो बार्गेनिंग वाली बात ये एकदम से जो बाहर निकलकर आ गए प्रफुल्ल पटेल, ये एनसीपी को जल्दबाजी क्यों थी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी का अगर आप इतिहास उठाकर देखें 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह के करप्शन के उनके ऊपर आरोप हैं और उनके तमाम मिनिस्टर्स के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं एक जो है सेफ अपना एक सेफ साइट चाहिए, उनको एक कवच चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहां जब सरकार बनाने जा रही है तो हम उनको अगर अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक आवरण हमको मिल जाएगा और वही उनको चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि उन्होंने बिना कुछ बात किए या कोई सलाह मशवरा के आपस में शरद पवार जी के घर पे जो मीटिंग हुई उसके बाद निकल करके प्रफुल्ल पटेल ने ये बात कही। यहाँ पर दे दिया, या मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं शिवसेना बाजी ना मार जाए उससे पहले यहाँ पर बीजेपी के तपास या फिर मोदी शरणम गच्छामी की जो मैंने बात कही उसे कहीं ना कहीं बुरा लिया जाए। हाँ बिल्कुल। दिनेश सिंह जी बीजेपी नेता जो है मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, दिनेश जी पहली बात तो आपको मुबारकबाद और जिस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन रहा है, काफी देर बाद जुड़े आप यहाँ पर मेरे साथ इस चर्चा में, काफी देर से आपका इंतजार हो रहा था। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां उभर कर आई है, ये जो शॉकिंग न्यूज जो आई है एनसीपी की तरफ से, इसे बीजेपी किस पैमाने पर तोल कर देख रही है या एनसीपी की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया की आप लोग उम्मीद कर रहे थे? मीडिया कर रही हो ना कर रही हो, मैं नहीं कर रहा था भाई, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने, आप ही अपनी अपनी चर्चा में कर रहे थे कि आप महाराष्ट्र के इतिहास को उठाकर देख लीजिए तो 88 सीटों से ज्यादा कभी कोई आंकड़ा नहीं प्राप्त किया। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शतकीय पारी नहीं खेली, उससे आगे के आंकड़े को पार किया है और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और वो चाहती है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। अब दूसरा सवाल आ पाए, माननीय मोदी जी तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम सारे विपक्ष को चाहते हैं कि वो आए और साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए साथ जुड़े। आप आइए ना, कौन मना कर रहा है, हम तो सबको कह रहे हैं कि आप आइए। अब रही बात दूसरी कि किसके साथ मिलकर आप सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि एक सीएमडी बैठकर फैसला कर ले कि कौन सरकार बनेगी। जो प्रक्रिया है आज पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे बड़ी निर्णायक समिति है उसकी बैठक हुई और उसने तय किया है कि महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक के रूप में माननीय राजनाथ जी जाएंगे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और हरियाणा में माननीय वेंकैया नायडू जी जाएंगे जो यहाँ तक तो ठीक है जो आपने यहाँ पर बात बताई जाएंगे वहाँ विधायक दल की मंडल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस अगर ये कह देते हैं कि एनसीपी के साथ हमारा मतभेद नहीं है, ये सवाल जो मैंने अभी कुछ देर पहले हुड्डा साहब से भी पूछा, आप मंथन कर रहे हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो मतभेद वाली परिस्थितियां हैं वो कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी, 15 अक्टूबर बीते कितना टाइम हुआ है? मेरा सवाल यह है कि जो अब तक मतभेद वाली जो परिस्थिति थी वो देवेंद्र फडणवीस ने अभी से इनकार कर दिया, उसे उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतभेद ही नहीं है एनसीपी के साथ, आप समर्थन लीजिए ना लीजिए, आप उस पर बैठक कीजिए मंथन कीजिए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मतभेद वाली जो परिस्थितियां हैं वो तो खुलेआम दिखी हैं। मतभेद हो यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, जब माननीय राजनाथ जी वहां बैठक लेने जाएं तो इसको पॉजिटिव वे में आप देखिए ना कि जब विधायकों के बीच में बैठेंगे
और सारे विधायक अपने खुले मन से चर्चा करेंगे कि किसके साथ जाना ठीक होगा, किनको मुख्यमंत्री बनाना ठीक होगा। यही विषय पर तो पर्यवेक्षक जाकर वहां इसी विषय पर तो चर्चा करते हैं कि आप जाइए लिमिटेड कंपनी की तरह कि कौन डायरेक्टर होगा चुन के चले आइए। ये तो खूबसूरती है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं कोई बात कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये मतभेद नहीं, ये मनभेद नहीं है, ये कहीं से मतभेद नहीं है। सवाल इस पर बड़ा होता है कि अगर वो ये कहते हैं कि हमारा मतभेद नहीं है, मतभेद वाली परिस्थितियां कहां पर अगर वो इनकार कर देते हैं, सवाल उस पर है। एसके दत्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? इस चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि आखिर एनसीपी ने ऐसा पैतरा क्यों फेंका? इसलिए फेंका क्योंकि शिवसेना के साथ जो निगोसिएशन है पोस्ट पोल अलायंस को लेके, उस पर कहीं ना कहीं पे ठंडा पानी डालने के लिए, ताकि एनसीपी राजनीतिक जो शतरंज है उससे बाहर ना हो जाए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले अनकंडीशनल सपोर्ट का और आउटसाइड सपोर्ट का समर्थन का ऐलान कर दिया है। इससे ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के डेट में महाराष्ट्र के परिपक्ष में रसगुल्ला भी है और उसके साथ साथ गुलाब जामुन भी है, तो इसलिए बीजेपी किसी भी बार्गेनिंग के हिसाब से शर्तों को नहीं मानेगी। शिवसेना के लिए आज के डेट में वो जो बार्गेनिंग पावर था चुनाव से पहले, वो बार्गेनिंग पावर बहुत हद तक डाइल्यूट हो चुका है। आप अगर शिवसेना अगर आती है, जो मैं मानता हूं कि आइडियोलॉजिकली नेचुरल एलाइज है भाजपा के और नेचुरल अलायंस है उनका, और 25 साल तक एक साथ चले हैं, तो नेचुरल है कि शिवसेना का कहीं ना कहीं पे भाजपा के साथ गठबंधन बनाने में आसानी होगी, पर शर्तों के आधार पे नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही शानदार एक पॉलिटिकल इक्वेशन शायद उभर के आ सकता है महाराष्ट्र के परिपक्ष में। एनसीपी ने बाकायदा समर्थन का ऐलान कर दिया है। शिवसेना और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार अगर बनती है, वो तो नेचुरल है कि वो लोग सरकार में शामिल होंगे शिवसेना के लोग, पर इसके साथ साथ बाहर से जो एनसीपी ने समर्थन का जो एक शगुफा फेंका है, उससे ये होगा कि बीजेपी के लिए हमेशा एक अपर हैंड रहेगा महाराष्ट्र के राजनीति में, क्योंकि कल को अगर 19-20 अगर हो जाता है शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन बनने के बाद, वहां पे जो विकल्प है सरकार को बचा के रखने के लिए और स्थायी मजबूत सरकार रखने के लिए, वो एनसीपी के समर्थन से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है वो चीज। तो नेचुरल है कि उस त्रिकोणीय संभावना में ये हो सकता है कि कांग्रेस शायद महाराष्ट्र के परिपक्ष में बिल्कुल अलग थलग हो जाए। बिल्कुल, यहां पर दिनेश जी आपका नेचुरलाइज कौन है? अगर आप यहां पर एनसीपी के साथ जाते हैं तो जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार थी या जो सत्ता थी उसे नकारा है जनता ने, आपके 100 के आंकड़े को जो छुआ है आपने 25 साल में पहली बार, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर ली जाए, किसी पार्टी ने जो छुआ है, उस चीज को कहीं ना कहीं आप लोग एक्सेप्ट करने की बात तो नहीं कर रहे हैं? नेचुरलाइज कौन है आपका? निश्चित तौर पर आज जो जनता ने अपना मत दिया है, निश्चित तौर पर वो कहना चाहती है कि आपको किसी न किसी के साथ जाना पड़ेगा। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, सारे लोग इसीलिए तो बैठे हैं। अगर आज वहां बहुमत मिल गया होता तो हम चर्चा ही क्या करते? तो निश्चित तौर पर वहां जो भी निर्णय होगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो महाराष्ट्र के हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, वही फैसला होगा। और जो दत्ता साहब बात कर रहे थे, एक चीज और, वो सही बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी ना तो प्रेशर पॉलिटिक्स करती है और ना प्रेशर पॉलिटिक्स को बर्दाश्त करती है। दूसरी बात, हम ना खरीद फरोख्त करके हम सरकार नहीं बनाते हैं, नहीं चलाते हैं। अगर यही होता तो एक ओर से सरकार ना चली गई होती पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो भी होगा, जो प्रक्रिया है, माननीय राजनाथ जी जा रहे हैं, वहां बैठक हो जाएगी। आप सब जो सुखद समाचार सुनने के लिए आतुर हैं, महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता, निश्चित रूप से वो सुखद समाचार आपको सुखद समय पर आपके सामने परिलक्षित होगा, और उसमें भाजपा का हित नहीं, उसमें जो महाराष्ट्र का हित होगा, जो राष्ट्र का हित होगा, वो सबके सामने होगा। हुड्डा साहब, तो इस तरीके से समझता हूँ बीजेपी यहाँ पे महाराष्ट्र में आके बिल्कुल फंस गई है। जो इनका एक डिसीजन था अकेला चलो का, वो यहाँ पे फंस गया है। अगर शिवसेना के साथ जाते हैं, शिवसेना का जो बाई नेचर है, बाई वर्च्यू है, जो उसकी पैदाइश है, वो एक बार्गेनिंग, अपर हैंड रखने की, ऑटोक्रेटिक अटैकिंग, उस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स की वो राजनीति में बिलीव करती है। और पावर बीजेपी के पास होते हुए भी पावर को वो क्लेम करेंगे, ये बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है। उस अगर इस चीज से दूर भागती है बीजेपी, एनसीपी के पास जाती है,
उसको ऑलरेडी एक उनके जो प्रधानमंत्री हैं और पार्टी प्रेसिडेंट है एनसीपी को एक नेशनल करप्ट पार्टी कहकर संबोधित कर चुके हैं, जिस पार्टी के ऊपर उन्होंने आज तक कभी रैल नहीं किया, फर्स्ट ट्रायल होगा क्या कहते हैं एनसीपी को वो एक तरीके से बैक टूल के लिए यूज करने वाले हैं। वैसे जाना इनको शिवसेना के साथ ही चाहिए और शिवसेना के लिए क्या कहते हैं वो थोड़ा सा बार्गेनिंग वाली जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है ओम साहब, यहां पर परिस्थितियां जितनी इजी दिख रही हैं बीजेपी के लिए उतनी इजी है नहीं फिलहाल, इजी नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे उनको बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आ तो गई हैं लेकिन महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक जो स्थिति है वो लग रहा है कि बिल्कुल फंसा हुआ है इस समय। शिवसेना कल तक कह रही थी कि हम एक तरीके से बयान भी आया था कि बीजेपी को अगर सीटें कम होती हैं तो हम रोकने के लिए कई लोग मिल सकते हैं। अब चलिए ये हुआ कि आज की तारीख में वैसी स्थिति तो कहीं से बनती दिख नहीं रही है लेकिन इन लोगों की योजना तो ऐसी ही थी कि बीजेपी को रोकने के लिए जो है सो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रयास किया जाए। अब तक आज तक शिवसेना की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि भाई मुख्यमंत्री हमारा हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या है, महाराष्ट्र की जनता चाहती है तो हमारा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, तो बीजेपी के लिए आसान नहीं लग रहा है कुछ भी। और एनसीपी की जहां तक बात है कि तो एनसीपी को बीजेपी को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं लेना चाहिए, उसने शिगुफा फेंका है लेकिन इतने दिन से जो सत्ता में रही है पार्टी बीजेपी उसी के खिलाफ तो लड़ रही थी, अगर उसके साथ किसी भी तरीके से जाते हैं तो भाई जनता के बीच में फिर भाई अवसरवादी वाली जो नीति की जो छवि है वो जाएगा कि बीजेपी ने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उसके साथ ही उसने समर्थन लिया। एनसीपी बिल्कुल चाहती है कि हम समर्थन दे दें क्योंकि उसके खिलाफ लड़ाई है, उसके कई जो नेता हैं बड़े नेता हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में फंस रहे हैं। ठीक है और इसलिए बचाना। ठीक ठीक ओम साहब मैं समझ गया ओम साहब। हाँ दिनेश जी कम शब्दों में, कोई समझौता करने नहीं जा रही है और बहुत सहज है, आज परिणाम परीक्षा फल सामने आ गया है, अब तो जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी को करना है और भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेतृत्व है, मुझे लगता है उसको ये निर्णय लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप पर्यवेक्षक को महाराष्ट्र तक जाने दीजिए, बैठक होने दीजिए, अगर कहीं आपकी राय मांगी जाएगी तब आप बताइएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सारी योग्यता मौजूद है और भारत और महाराष्ट्र की जनता ने परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और डिक्टेंशन मार्च से उत्तीर्ण किया है, लोग इतने पीछे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला। छोटा सा कमेंट आपसे उड्डा साहब, ये हार किसकी है? देखिए ये हार तो अगर आप देखें तो ये स्पेशली अगर ये कांग्रेस की हार, सोनिया गांधी राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल बिल्कुल वो अब आईसीयू की तरफ चली गई कांग्रेस। अभी कांग्रेस का रिवाइवल जो मोदी साहब का एक विजन था कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी तरफ मोदी साहब ने एक नहीं दो स्टेप लिया। ठीक है ठीक है, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे एसके दत्ता साहब, सोनिया राहुल की जो राजनीति है वो बिल्कुल एसके दत्ता साहब आप। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जहां बात आती है कांग्रेस की राजनीति का सेटिंग सान ऑलरेडी हो चुका है, नैतिकता के आधार पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा को और उप अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पे जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र देना चाहिए और कांग्रेस के अंदर एक मंथन होने की आवश्यकता है कि आखिर इतना करारी हार क्यों हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर दुर्गेश जी बिल्कुल मैं दत्ता साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आईसीयू की तरफ बढ़ गई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना है कि वो कांग्रेस मुक्त जो है भारत चाहते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को एक आत्ममंथन की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस बात को उनको गहराई से शिद्दत से अब महसूस करना पड़ेगा कि अगर यही हालत रही तो आगे स्थिति। ठीक है ओम साहब, ओम साहब देखिए देखिए बहुत छोटा कमेंट दे रहा हूं, ये बिल्कुल भारत की जितने भी राजनीतिक दल हैं जितने भी हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिन लोगों ने क्षेत्रवाद की राजनीति की है, जिन लोगों ने संप्रदायवाद की राजनीति की है, जिन लोगों ने अछूत अछूत की राजनीति की है, जो राजनीति की गई अब अपने सबक उन्हें बदलने होंगे जी। विकास की राजनीति से ही आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सबक है और अगर सुधार नहीं किया राजनीतिक दलों ने तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, बहुत खानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो मोदी स्टाइल की राजनीति है वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ पर सीखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब राजनीति का जो ककारा है या राजनीति का जो पाठ है उसे अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को यहाँ पर बदलना पड़ेगा, मोदी स्टाइल की या मोदी के तरह की जो राजनीति है वो यहाँ पर देखनी होगी और मोदी स्टाइल या मोदी मैजिक या मोदी लहर जो है वो आगे भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।